हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती तो वैसे 17 में निकली थी, बट फिलहाल अभी हमारा एग्ज़ाम 2019 में हुआ है, इसलिए हमने 2019 का जो है समय दिया है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेड्समैन मेट। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें ट्रेड था आपका ट्रेड्समैन मेट का, उसके लिए जो है कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और ये एनालिसिस है दोस्तों आप ही के द्वारा दिए गए कमेंट्स को। हमने सभी कमेंट्स को जो एनालिसिस किया और सभी के बाद जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें मिली है, उसी को हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आप जैसे ही लोग जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, और जो इतने लोग बड़ी मात्रा में कमेंट करते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, जब भी कोई नया अपडेट आता है सरकारी फॉर्म का, तो हम उसकी नोटिफिकेशन की पहली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट न्यूज चैनल पर। साथ ही दोस्तों, स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको दिखाया जाता है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड डेट, और साथ ही दोस्तों कोई भी रिजल्ट या एडमिट कार्ड जारी होता है तो भी हम उसका नोटिफिकेशन का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेट रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ट्रेड्समैन मेट के लिए दोस्तों, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है 818 पोस्ट टोटल दिया गया था नोटिफिकेशन में, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है तो ये इसमें ही है ट्रेड्समैन मेट में। इसलिए ट्रेड्समैन मेट की कट ऑफ के लिए जो है काफ़ी लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी इसकी हाई जाने वाली है। और जितने लोगों ने कमेंट किया, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत ही बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसे लोग जो है कमेंट करते तो जाके हमें एक्सपेक्टेड डेट मिलता है। एक्सपेक्टेड जो है काफ़ी लोगों को जो इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि सभी को जो है एक यूनिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना अटेंड किया, दूसरे ने कितना अटेंड किया। सभी लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं तो सभी को जो है एनालिसिस का जो है रिजल्ट मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले आप देख सकते हैं जर्नल की जो कट ऑफ जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जर्नल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके मार्क्स 70 प्लस में हैं और वो ट्रेड्समैन का जो है ट्रेड चूज़ किए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका जो है सिलेक्शन लगभग पक्का है, क्योंकि 70 प्लस जो है कट ऑफ जाने वाली है, ये उम्मीद जताई जा रही है। और जितने भी कमेंट्स अभी तक हमारे पास इकट्ठा हुए हैं और हमने कलेक्ट किया, उन सभी का औसत जो हमने निकाला तो वो 70 ही जा रहा है दोस्तों। इसलिए 70 प्लस में जितने लोगों के मार्क्स हैं, ऊपर नीचे एक दो मार्क्स हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन 70 प्लस में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका जो है सिलेक्शन लगभग पक्का है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका कट ऑफ अगर 65 के आसपास में है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि 65 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है ओबीसी की। और जितना भी आपके कमेंट्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद जो ये मार्क्स हमें जो है फिगर अब फाइंड आउट हुआ है। अब बात करते हैं एससी की। तो शेड्यूल कास्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है और ट्रेड्समैन मेट उन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए ये है कि अगर 60 प्लस में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने एनालिसिस किया है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो है कटकुट के 60 नंबर आएंगे, तो दोस्तों आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था आप सभी के लिए। अब बात करते हैं एसटी के। जी हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट में अगर बात करें तो एसटी में अगर 55 नंबर में आपका मार्क्स आ रहा है, जी हाँ दोस्तों 55 यानी कि 55 55 मार्क्स अगर आपके हैं और आपने एसटी में फॉर्म भरा है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है इस जॉब को पाने का, क्योंकि 55 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। एसटी की संख्या काफ़ी कम थी, एसटी के लोग भी जो है बहुत ही गिने चुने हैं जो इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई किए थे, क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया था इस फॉर्म का जो है एडमिट कार्ड आने में, इसलिए जो है कॉम्पिटिशन थोड़ा कम था एसटी एससी वालों में। तो काफ़ी जो लोग हैं जो अपडेट हैं उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो ओवर एज हो गए या फिर अपडेट नहीं हो पाए उनके लिए तो फॉर्म छूट गया था। तो इन सभी चीज़ों को जो है विचार करके ही हमने इस कटअप को बनाया है कि अगर 55 के आसपास में अगर आपका नंबर है और एसटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 55 तक का जो है कटअप जाने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कटअप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए।